चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर बाड़मेर शहर में जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा चलाए जा रहे नवो बाड़मेर अभियान के दौरान जिला कलेक्टर ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारा और पुलिस को बुलाकर कार्रवाई करवाते हुए चार युवतियों और युवकों को दस्तियाब करवाकर थाने भेजा गया है। दरअसल बाड़मेर शहर के चौटन चौराहे पर चामुंडा चौराहे तक नेशनल हाईवे 68 पर जिला कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान प्रशासनिक हमले के साथ यहां जाप्ते के साथ बता दें कि जैसे ही जिला कलेक्टर जो है वो चामुंडा चौराहे के पास में एक स्पा सेंटर के आगे पहुंचे, यहां पर अचानक ही स्पा सेंटर संचालक ने हड़बड़ाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अब इसके बाद जिला कलेक्टर को शक हुआ तो तुरंत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एसडीएम और यूआईटी सचिव ने दरवाजा तोड़कर अंदर तलाशी ली तो स्पा सेंटर के अंदर अलग अलग कमरों में चार युवतियां और दो युवक मिले। इसके बाद तुरंत पुलिस टीम को मौके पर बुलाकर कार्रवाई के निर्देश यहां पर दिए गए और उसके बाद मौके पर पहुंची टीम सभी को लेकर थाने गई। अब आगे की जांच की जा रही है। यहाँ पर एक जगह पर जो है वो चार महिलाएं और दो पुरुष जो है वो छह महिलाएं, उन्होंने खुद को अंदर बंद कर दिया था। फिर एसडीएम साहब ने और उसका गेट जो है उसका कांच तोड़ के और अंदर प्रवेश किया तो वो लोग अंदर मिले, उनको वेरीफाई करने के लिए कोतवाली थाने भेजा गया। उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भूपेश आचार्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। भूपेश, एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई और वो भी कलेक्टर ने यहाँ पर कार्रवाई करवाई है, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, टीना डाबी ने बाड़मेर में ज्वाइन करने से पहले दिन से एक्शन मोड में, पहले उन्होंने सफाई व्यवस्था की ध्यान दिया, फिर चिकित्सा और फिर शहर में मिल रही शिकायतों के साथ कि भाई शहर में जो स्पा एंड सेंटर खुल रहे हैं वहां पर अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी के तहत डीएम ने आज खुद सुबह अल सुबह जाके इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही मौके पर पहुंची, उन्होंने मौके पर पहुंचने पर जो कार्रवाई की उसके बाद संबंधित पुलिस थाने को और एसडीएम को जो तमाम प्रशासनिक अमला था उनको बुला के उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए और मौके पे दो युवक और चार पांच युवतियां मिली, इनसे पूछताछ की जा रही है आखिर ये इस तरीके के काम में क्यों लिप्त थी और क्या था, इनके पीछे कोई कारण था और रैकेट किस तरीके से चलाया जा रहा है, इन तमाम बातों में पुलिस के द्वारा छानबीन की जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है टीना डाबी जो बाड़मेर की कलेक्टर है वो एक्शन मोड में और सभी तरीके के फ्रंट पे वो किसी भी तरीके की कोई लापरवाही गलती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। जी बिल्कुल, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही कोई कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी और लगातार एक्शन मोड में कलेक्टर नजर आ रही, कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है भूपेश, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये पूरी कार्रवाई से जुड़ी भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर चार युवतियां और दो युवकों को मौके से दस्तयाब किया गया है।